हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलीटिन गुणसूत्र क्या होते हैं। देखिए, इसके पहले हम आपको बता दें कि प्रीवियस वीडियो में हमने लैम्ब ब्रूस क्रोमोसोम के बारे में बताया था। देखिए, ये विशिष्ट प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं या कुछ विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, और ये दो प्रकार के होते थे। पहला था लैम्ब ब्रूस क्रोमोसोम, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में करा दिया है, और उसी का दूसरा प्रकार आज है विशिष्ट गुणसूत्र का, पॉलीटिन गुणसूत्र। देखिए, जो विशिष्ट गुणसूत्र होते हैं उनको हम दैत्य क्रोमोसोम या हम उनको असामान्य यानी अनयूजुअल क्रोमोसोम भी कहते थे। देखिए, यदि पॉलीटिन क्रोमोसोम की बात की जाए तो पॉलीटिन क्रोमोसोम जो है, देखिए, डिप्टेरा गण के कई कीटों, देखिए कीटों का एक गण होता है जिसको बोलते हैं डिप्टेरा, तो कीटों का एक गण है डिप्टेरा। तो डिप्टेरा गण के ऐसे कई सारे कीट हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम ले रहे हैं ड्रोसोफिला। देखिए, ड्रोसोफिला जो मक्खी है, इसमें कुछ विशेष ऊतक में असामान्य रूप से, देखिए डिप्टेरा गण का जो कीट है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हमने क्या लिया, ड्रोसोफिला। अब देखिए, ड्रोसोफिला में कुछ विशेष ऊतक हैं, उन विशेष ऊतकों में सामान्य से देखिए कई गुना यदि बड़े तथा मोटे गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीटिन गुणसूत्र या पॉलीटिन क्रोमोसोम कहते हैं। तो देखिए, डिप्टेरा गण के जो कीट होते हैं, एग्जाम्पल हमने ले लिया जैसे ड्रोसोफिला। अब देखिए, ड्रोसोफिला के जैसे ऊतक हैं, तो इनमें कुछ सामान्य से कई गुना बड़े तथा आकार में मोटे जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं, और इन्हीं गुणसूत्रों को पॉलीटिन गुणसूत्र या पॉलीटिन क्रोमोसोम कहा जाता है। वहीं यदि बात करें हम सबसे पहले, देखिए बात करें यदि पॉलीटिन क्रोमोसोम की, तो सर्वप्रथम इसको वाल्वियानी ने 1881 में काइरोनोमस नामक जंतु की सेलिवरी ग्लैंड में देखा था। देखिए, सबसे पहले इसको वाल्वियानी नामक साइंटिस्ट ने, काइरोनोमस नामक एक जंतु है जिसकी सेलिवरी ग्लैंड में देखा था, और इन्होंने सेलिवरी ग्लैंड में देखा चूंकि इन गुणसूत्रों को, इसीलिए इन गुणसूत्रों को सेलिवरी ग्लैंड गुणसूत्र भी कहा जाता है, या इनको हम लाल ग्रंथि गुणसूत्र भी कहते हैं, लार ग्रंथि गुणसूत्र भी कहते हैं, क्योंकि सलाइवरी मतलब होता है लार। तो देखिए, सलाइवरी ग्लैंड में इन्होंने सबसे पहले देखा, किसमें देखा, काइरोनोमस नामक जंतु की सलाइवरी ग्लैंड में देखा, इसीलिए इन गुणसूत्रों को हम सलाइवरी ग्लैंड गुणसूत्र भी कहते हैं। अब यदि बात करें यहाँ पे, तो देखिए संरचना की यदि हम बात करें पॉलीटिन क्रोमोसोम की, तो यदि हम इसके अमाप या साइज की बात करें, तो इसकी साइज देखिए 2000 माइक्रोन से लेकर के, या हम कह सकते हैं कि 2 मिलीमीटर तक होती है। तो इनकी साइज जो है कितनी होती है, 2 मिलीमीटर होती है, या माइक्रोन में यदि हम बात करें तो 2000 माइक्रोन होती है। चलिए, अब यदि हम बात करें इसकी संरचना की, तो एक सामान्य गुणसूत्र में, सामान्य गुणसूत्र की जो संरचना होती है, तो एक सामान्य गुणसूत्र की संरचना के मुकाबले जो पॉलीटिन क्रोमोसोम होते हैं, इनकी संख्या जो है, या हम कह सकते हैं कि ये 50 से लेकर 200 गुना बड़े होते हैं। एक नॉर्मल गुणसूत्र से ये 50 से लेकर 200 गुना तक बड़े हो सकते हैं। वहीं यदि बात करें इन गुणसूत्रों के रंग की, तो देखिए इन गुणसूत्रों के ऊपर गहरे हरे रंग के बैंड पाए जाते हैं। देखिए, इन गुणसूत्रों के ऊपर साइड क्या होते हैं, गहरे हरे रंग के क्या होते हैं, गहरे रंग के बैंड पाए जाते हैं, और आपस में दो बैंडों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, आपस में दो बैंडों के बीच की दूरी इंटरबैंड कहलाती है। तो देखिए, एक नॉर्मल सी यदि पॉलीटिन गुणसूत्र की संरचना की बात करें, तो इसका अमाप या साइज कितनी होती है, 2000 माइक्रोन होती है। वहीं यदि हम बात करें इनके साइज की, तो ये एक नॉर्मल गुणसूत्र से 500 से लेकर 200 गुना तक बड़े हो सकते हैं। इन गुणसूत्रों के ऊपर गहरे रंग के कई सारे बैंड पाए जाते हैं, उन बैंडों को हम क्या कहते हैं, उनको हम बैंड कहते हैं, तथा साथ ही साथ इसके स्थान पर आपस में दो बैंडों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, इंटरबैंड कहलाती है। तो यहाँ पे इतना चीज समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए, यदि हम बात करें ड्रोसोफिला में, तो एक ड्रोसोफिला में देखिए जो पॉलीटिन गुणसूत्र होता है, इसमें 5 लंबी भुजाएं पाई जाती है। कितनी, 5 लंबी भुजाएं पाई जाती है, तथा एक छोटी भुजा भी होती है जो कि सेंट्रोमियर से निकलती हुई दिखाई देती है। देखिए, सेंट्रोमियर गुणसूत्र के, गुणसूत्र में कहीं ना कहीं सेंट्रोमियर तो पाया जाता है, तो सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पे हमने गुणसूत्र कई प्रकार के बताए थे। तो देखिए, सेंट्रोमियर की वो स्थिति पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखिए, सेंट्रोमियर से एक छोटी भुजा भी निकलती है, यानी ड्रोसोफिला में जो पॉलीटिन गुणसूत्र है, इसमें 5 लंबी भुजाएं तो होती है, और साथ में एक छोटी सी भुजा होती है जिसको हम, जो कहाँ से निकलती है, सेंट्रोमियर से निकलती हुई दिखाई देती है। यदि हम बात करें, तो देखिए इनमें एक भुजा जो है यक्ष गुणसूत्र को निरूपित करेगी, यानी यक्ष गुणसूत्र को दर्शाएगी, साथ ही साथ शेष जो 4 भुजाएं हैं, शेष जो 4 बड़ी भुजाएं हैं, वो सेकंड और थर्ड गुणसूत्रों को निरूपित करती है, यानी वो दूसरे और तीसरे गुणसूत्र को दर्शाती है, तथा साथ ही साथ सबसे छोटी भुजा जो है, सबसे छोटी भुजा वो चौथे गुणसूत्र को दर्शाती है।
तो देखिए ड्रोसोफिला की पॉलीटिन गुणसूत्र में टोटल 5 लंबी भुजाएं पाई जाती है तथा एक छोटी भुजा जो सेंट्रोमियर से निकलती हुई दिखाई देती है, यानी टोटल भुजा कितनी हो गई, 6। और देखिए इनमें से एक भुजा तो यक्ष गुणसूत्र को निरूपित करेगी, एक भुजा किसको कर दी, यक्ष गुणसूत्र को निरूपित। और देखिए और दो भुजाएं जो है वो सेकंड गुणसूत्र को निरूपित करेगी और दो भुजाएं जो है वो थर्ड गुणसूत्र को निरूपित करेगी। वहीं एक जो छोटी भुजा है वो फोर्थ गुणसूत्र को क्या करती है, निरूपित करती है। चलिए अब हम यहाँ पे आप लोगों को पॉलीटिन क्रोमोसोम की संरचना बना के दिखाते हैं। तो देखिए यदि हम बात करें पॉलीटिन गुणसूत्रों की, तो कुछ इस प्रकार से संरचना होती है पॉलीटिन गुणसूत्रों की। ये देखिए यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि जो पॉलीटिन क्रोमोसोम है इसमें 5 लंबी भुजाएं होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 5 जो है लंबी भुजाएं हैं। और ये देखिए ये बीच में क्या है, सेंट्रोमियर वाला भाग है, ये बीच में सेंट्रोमियर वाला भाग है। तो देखिए ये बीच में सेंट्रोमियर से एक छोटी भुजा भी निकल रही है, देखिए ये छोटी भुजा यहाँ पे निकल रही है। अब इन पॉलीटिन क्रोमोसोम में देखिए पहले तो एक नॉर्मल से पॉलीटिन की संरचना यदि हम समझें तो इसमें देखिए मुख्य रूप से अब देखिए इस पॉलीटिन क्रोमोसोम में हमने क्या बताया कि पहली बात तो सबसे छोटी जो भुजा होती है ये किसको प्रदर्शित करती है, ये चौथे गुणसूत्र को प्रदर्शित करती है, ये फोर्थ क्रोमोसोम को प्रदर्शित करती है, ये चौथे गुणसूत्र को निरूपित करती है या प्रदर्शित करती है। वहीं एक भुजा किसको प्रदर्शित करती है, एक भुजा यक्ष गुणसूत्र को दर्शाती है, एक भुजा यक्ष क्रोमोसोम या यक्ष गुणसूत्र को दर्शाती है। वहीं यदि यहाँ पे हम बात करें ये दोनों भुजाएं थर्ड गुणसूत्र को निरूपित करती है, ये दोनों भुजाएं किसको, थर्ड गुणसूत्र को निरूपित करती है। और यहाँ पे जो दोनों भुजाएं बनी है देखिए ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजाएं जो है ये दूसरे भुजा को प्रदर्शित करती है, ये गुणसूत्र की सेकंड गुणसूत्र की भुजा को प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पे ये देखिए ये थर्ड गुणसूत्र की भुजा है। और यहाँ पे जो सबसे छोटे जो सेंट्रोमियर से निकलते हुए यहाँ पे गुणसूत्र की संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली भुजा जो है ये फोर्थ गुणसूत्र को या फोर्थ क्रोमोसोम को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे इस प्रकार कुल मिलाकर के पॉलीटिन क्रोमोसोम में कितने, यहाँ पे 6 भुजाएं हैं जिसमें से 5 भुजाएं जो है कैसी है, लंबी है, और एक भुजा कैसी है, एक भुजा छोटी है। अब देखिए छोटी वाली भुजा किसको प्रदर्शित करती है, चौथे गुणसूत्र को प्रदर्शित करती है। और यहाँ पे तीसरी जो देखिए यहाँ पे ये जो दोनों भुजाएं हैं ये तीसरे गुणसूत्र की भुजा को प्रदर्शित कर रही हैं। वहीं यदि हम इन दोनों भुजाओं की बात करें तो ये दोनों भुजाएं जो है सेकंड गुणसूत्र की भुजाओं को प्रदर्शित करती है। और बीच में सेंट्रोमियर है जहाँ पर से यहाँ पे छोटी भुजा जो है निकलती हुई हमको नजर आ रही है। तो एक पॉलीटिन गुणसूत्र की यदि संरचना देखी जाए तो उसमें 5 लंबी भुजाएं दिखाई देती है और एक छोटी भुजा दिखाई देती है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम इसके एक बैंड की संरचना बना के आपको दिखाते हैं। आप देखिए यदि हम बात करें गुणसूत्र के संरचना की तो इनमें बैंड और इंटर बैंड दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए एक भुजा के अंदर यदि हम बात करें तो देखिए यहां पे मुख्य रूप से देखिए इस प्रकार यदि हम गुणसूत्र की एक भुजा के अंदर की संरचना की यदि हम बात करें तो इनमें देखिए क्या होता है, कई सारे जगह जगह पे
यदि ड्रोसोफिला की यदि हम बात करें तो इसके भ्रूणी विकास में जब ये लार्वा फॉर्म में रहेगी तो इसमें क्या होता है, देखिए जगह जगह फूल करके क्या बन जाते हैं, पफ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पफ बन जाते हैं। वहीं इनमें जगह जगह क्या पाए जाते हैं, बैंड पाए जाते हैं, गहरे रंग के या होते हैं बैंड। इस प्रकार से गहरे रंग के पूरे पॉलीटिन क्रोमोसोम की भुजाओं में क्या पाए जाते हैं, देखिए ये संरचना जो है ये क्या कहलाते हैं, बैंड कहलाते हैं। देखिए ये भी बैंड है, ये भी बैंड है, ये क्या है, बैंड है। तो देखिए दो बैंडों के बीच की, देखिए बैंडों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की बैंडों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, इंटरबैंड कहलाती है, इंटरबैंड कहलाती है। अब यदि हम बात करें तो ये देखिए ये जो बैंड होते हैं ये क्या होते हैं, आकार में वृद्धि करके लार्वा फॉर्म में क्या हो जाते हैं, पप का निर्माण कर लेते हैं। और जैसे ही इनमें पप का निर्माण धीरे धीरे क्या होने लगता है, बैंड जो सिकुड़ने लगते हैं, तो पप का निर्माण धीरे धीरे सिकुड़ करके ये पुनः अपनी अवस्था में आ जाते हैं। तो इस प्रकार पॉलीटिन क्रोमोसोम की संरचना में मुख्य रूप से 5 भुजाएं दिखाई देती है, जिसमें से एक भुजा फोर्थ गुणसूत्र को निरूपित करती है जो छोटी वाली भुजा होती है, और इसके अलावा जो 5 भुजाओं में से एक भुजा जो है यक्ष गुणसूत्र को निरूपित करती है, वहीं 2 भुजाएं थर्ड गुणसूत्र को निरूपित करती है, और वहीं 2 भुजाएं जो है सेकंड गुणसूत्र को निरूपित करती है। तो इस प्रकार से पॉलीटिन क्रोमोसोम की संरचना आपको याद रखनी है। पेपर में कभी कभी पूछा जाता है कि पॉलीटिन गुणसूत्र की संरचना को समझाइए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।